अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है UPL तेज़ रफ्तार परदेश अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट सिर्फ ओवरसीज़ के लिए शुरू किया गया है। ओवरसीज़ से मुराद समंदर पार पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर बैठे हैं और चाहते हैं कि हम अपने पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें, अपनी फैमिली को भेजें, किस तरह से कई इश्यूज आते हैं उनको, तो उन इश्यूज को मद्देनज़र रखते हुए UPL ने एक बेहतरीन अकाउंट शुरू किया है जिसका नाम है UPL तेज़ रफ्तार परदेश अकाउंट। दोस्तों, इस अकाउंट की बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि वहाँ से अपने फ़ंड बग़ैर किसी टेंशन के अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करें। अकाउंट पाकिस्तान में ओपन होगा और वो वहाँ से बैठ के इसमें फ़ंड क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है, जैसे कि एक फैमिली मेंबर यानी कि वालिद बाहर होते हैं और बेटा बेटी या वालदा, वो अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकती हैं और वहाँ से उनके फैमिली मेंबर बैठ के उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अकाउंट की डिटेल की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। UPL has always strived to offer the most convenient and free of cost remittance services to all the beneficiaries in Pakistan. In the same spirit, we now introduce to UPL Tez Raftar Pardesh account aim to make the receiving money from abroad even easier. कि UPL ने इस अकाउंट को ओपन इसलिए किया है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो बआसानी अपने अकाउंट में पैसे अपने प्यारों को भेज सकें। थ्रू दिस न्यू लाइबिलिटी अकाउंट द कस्टमर्स कैन रिसीव देयर होम रेमिटेंस फ्री ऑफ एनी चार्जेस और टैक्सेस एंड बी एबल टू विड्रॉ देयर फंड्स विद इन पाकिस्तान थ्रू एनी ATM और चेक बुक। कि वहाँ समंदर पार पाकिस्तानी अपनी रेमिटेंस इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें बगैर किसी चार्जेस और टैक्सेस के, पूरी की पूरी अमाउंट आप ATM और चेकबुक के ज़रिए विड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई टैक्स, कोई भी होल्डिंग टैक्स, कोई बैंक चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। सेलेंट फीचर्स में आ जाते हैं, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग एंड एक्टिवेशन वाया बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन। कि आप अकाउंट जब भी ओपन कराएंगे तो वो बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन होगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपन कर रहा है कोई भी मेम्बर आपकी फैमिली का, तो वो बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन लाजमी देगा। आजकल आपको पता है कि स्टेट बैंक की स्ट्रिक्टनेस है कि कोई भी अकाउंट विदाउट बायोमेट्रिक नहीं खुल रहा, ठीक है डियर। फ्री SMS अलर्ट टू द रेमिटर एंड बेनिफिशियरी एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, नोटिफाई द अकाउंट नंबर फॉर सेंडिंग फ्यूचर रेमिटेंस टू दिस अकाउंट। कि आपको इसमें से SMS की फ्री सर्विस अकाउंट से मुहैया होगी, जिसमें से कि रेमिटर एंड बेनिफिशियरी, रेमिटर वो होगा जो पैसे भेज रहा है, यानी कि जो बंदा दुबई, सऊदी अरेबिया या फॉरन में कहीं भी बैठा है, और बेनिफिशियरी वो है जो पैसे रिसीव कर रहा है, यहाँ पे आपकी फैमिली से कोई भी हो सकता है। तो उन दोनों को SMS भी सर्विस इस अकाउंट में मुहैया की जाती है ताकि वहाँ पे जो पैसे भेज रहा है उसको भी पता चल जाए और जो यहाँ से रिसीव कर ले उसको भी पता चल जाए कि कब पैसे आ गए और उसको पता चल जाए कि पैसे मैंने भेज दिए या उसको पहुँच गए। नेक्स्ट है ऑप्शन टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग कैश ओवर काउंटर पेमेंट इन फुल और पार्शल टू द अकाउंट एट अ टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। मेरे दोस्तों, जब आप ये फॉरन रेमिटेंस रिसीव करते हैं कैश काउंटर से, तो उसमें ये ऑप्शन भी इस अकाउंट में दिया गया है कि लेट्स सपोज आपकी पेमेंट आई है 50,000 और आप चाहते हैं कि मुझे कुछ पेमेंट अपनी ज़रूरत के लिए दे दी जाए और कुछ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो इस अकाउंट में ये फैसिलिटी भी है कि आप चाहते हैं कि 20,000 मेरे अकाउंट में जमा कर दें और 30,000 मुझे कैश दे दिया जाए। तो इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है कि आप 20,000 अकाउंट में डाल दें और 30,000 ले लें। नो रिक्वायरमेंट फॉर इनिशियल डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस एंड मिनिमम बैलेंस। इसमें इनिशियल डिपॉजिट जमा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस एंड मिनिमम बैलेंस की। इसमें कोई कम से कम 500,000 रुपये का बैलेंस फिक्स रखना है, नहीं वो भी इसमें छूट है। इसमें कोई अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं है, कोई चेकबुक ATM की कुछ भी नहीं है इसमें। फ्री इशुएंस ऑफ ATM डेबिट कार्ड फॉर 24/7 नेशन वाइड एक्सेस द फंड्स फ्रॉम ATM एंड यूजेस POS। आपको ATM कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होगा जो कि आप 24 घंटे इसको UPL के ATM या XYZ किसी भी बैंक के ATM से आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। फ्री 25 लीव चेकबुक, आपको 25 पेजेस की चेकबुक फ्री इशू होगी, उसके भी कोई चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेगा। ऑप्शन फॉर हैविंग पे ऑर्डर कैशियर चेक मेड फ्रॉम द अकाउंट। कि पे ऑर्डर या कैशियर चेक CC अगर आप बनवाना चाहें तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप नहीं के इस अकाउंट से बनवा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्पेशली यूजफुल फॉर अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड एंड अदर लोन प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए आपको ये भी फैसिलिटी बैंक दे रहा है इस अकाउंट पे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन लेना चाहें
तो इस अकाउंट के बिहाफ पे इसकी ट्रांजैक्शन अगर अच्छी होगी तो आपको क्रेडिट कार्ड एंड अदर लोन फैसिलिटी बैंक ऑफर करता है। फ्री SMS अलर्ट फॉर बेनिफिशरीज व्हेन होम रेमिटेंस ट्रांजैक्शन लैंड्स इन द अकाउंट, कि जैसे आपके फॉरन से पैसे इस अकाउंट में आपके जो है ना रेमिटर ने ट्रांसफ़र किए, जैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो फौरन बेनिफिशरी यानी कि वो बंदा जिसको पैसे उसने भेजे हैं उसके मोबाइल में उसको SMS रिसीव हो जाएगा कि आपके पैसे इतने PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में आपके अकाउंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये भी सबसे बड़ी इसकी फैसिलिटी है कि आपको अलर्ट रिसीव हो जाता है, तो आप किसी भी टाइम जाके ATM से उसे विड्रा कर सकते हैं, चाहे रात को 12 बजे का टाइम हो 1 बजे आप विड्रा कर सकते हैं। ऑटो रूटिंग ऑफ कैश ओवर काउंटर ट्रांजेक्शन टू द अकाउंट इफ CNIC नंबर इज रिसीव्ड इन COC इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपको CNIC नंबर के अगेंस्ट आपको COC यानी कि कैश ओवर द काउंटर ट्रांसफ़र होती है कैश, तो आप उसको अपने जो है ना अकाउंट में भी रूट कर सकते हैं। तो जैसे आपको रिसीव हुई आप वहाँ पे जाएं बैंक में और उनको कहें कि मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, फौरन वो अकाउंट में चली जाएगी। नो विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल सिंस द अकाउंट विल ओनली बी फेड थ्रू सम होम रेमिटेंस। नो अदर क्रेडिट आर एनी सॉर्ट फ्रॉम एनी चैनल विल बी अलाउड इन दिस अकाउंट। सबसे बड़ी बात जो इसका प्लस पॉइंट है इस अकाउंट का ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है। आपको मैं मिसाल दे के समझाऊँ कि लेट्स सपोज वहाँ से किसी बंदे ने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो उसके ऊपर 0.6% टैक्स कटता है, जो कि 600 के हिसाब से 1 लाख पे 600 रुपए कटते हैं। अगर 5 लाख आए तो 3,000 रुपए आपके विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। इस अकाउंट में बैंक ने आप UBL ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि जितनी भी पेमेंट आए ख्वाह वो 1 लाख है ख्वाह वो 1 करोड़ रुपए है, आप विदाउट विदहोल्डिंग टैक्स 1 रुपया चार्जेस दिए आप अपनी पूरी की पूरी अमाउंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, ऑल यू नीड टू डू इज़ फुल आउट अ सिंपल फॉर्म एट एनी UBL ब्रांच एंड गिव इट टू द टेलर अलॉन्ग विद अ फोटोकॉपी ऑफ यूर CNIC। UBL परचेज अकाउंट विल बी इंस्टेंटली ओपन बाय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको जो सोर्स ऑफ इनकम या जो बिजनेस प्रूफ या अपने इनकम शो करने का जो जरिया है जैसे जिससे अकाउंट खुलता है वो ये है कि जो फॉर्म आपको बैंक से प्रोवाइड किया जाएगा जैसे जो आपकी ट्रांजैक्शन सिस्टम के ऊपर प्रोसेस की जाती है और एक प्रिंट वाउचर निकलता है, उस वाउचर को आप अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर को दे के उसके बिहाफ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ CNIC की 1 या 2 कॉपीज आपको जो बैंक ऑफिसर आपसे डिमांड करेगा। तो इस अकाउंट की डेली लिमिट्स क्या हैं, लोडिंग रीलोडिंग अनलिमिटेड कैश विड्रॉल थ्रू चेक अनलिमिटेड कैश विड्रॉल थ्रू ATM 2 लाख रुपए एक दिन में, POS ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए जो ATM कार्ड से आप ट्रांजैक्शन यानी कि बाय एंड सेल जैसे कि परचेजिंग ऑर्डर वगैरह किए जाते हैं 2 लाख की लिमिट है। इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र 1 लाख रुपए यानी कि आप UBL के अकाउंट होल्डर हैं और आप किसी दूसरे बैंक HBL मिजान बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एक दिन में आपको 1 लाख रुपए की इस ATM पे फंड ट्रांसफ़र की लिमिट भी बैंक देते हैं। तो डियर एट द एंड हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो गया, तो एक और बात आपको बताता चलूं कि इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस आ सकती है विद इन कंट्री पाकिस्तान। आप इस अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं कर सकते, जस्ट बेनिफिशियरी जो होगा जो पैसे रिसीव करने वाला है जो अकाउंट होल्डर है तो वो सिर्फ इससे ATM या चेकबुक के थ्रू पैसे डेबिट कर सकता है, ना कि इसमें 1 रुपया या 100 रुपये क्रेडिट कर सकता है। ठीक है, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी आपके पास नहीं है, सिर्फ फॉरन से इसमें फंड आ सकता है, ओवरसीज में बैठे हैं जो अब्रॉड में बैठे हैं जो और कंट्री में बैठे हैं वो इसमें पैसे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस अकाउंट को समझने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन होगी मैं आपसे कन्फ्यूजन बिफोर दूर कर सकूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको अलर्ट रिसीव कर सके। थैंक यू मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करें, वो भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।